नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल के जरिए मैं आपको आज वालोर पापड़ी के ज़्यादातर उपज को कैसे बचाए और उसको अगली सीज़न तक कैसे चलाए उसके लिए मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मित्रों, हमारे यहाँ जो बेल होती है, उसकी वाइन जो होती है वालोर पापड़ी की, वहाँ से जितने भी वालोर हो वो सब आप तोड़ ले, तोड़ के उन्हें इकट्ठी कर ले। इकट्ठी करके यहाँ ऐसे ले आइए। इसके बाद हमें एक बर्तन लेना है जिसमें हम ये वालोर को इकट्ठी कर सकें। हमें धीरे धीरे करके सभी वालोर को छिलके निकाल देने। अगर इसके अंदर कोई सूखी वालोर निकले तो वो अलग पात्र में या अलग बर्तन में रख लेना है, क्योंकि वो हमें कुछ अलग काम के अंदर हमें उपयोगी हो सकता है। अब हम यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं बालोर पापड़ी को जो अच्छी वाली है, नई वाली है, फ्रेश है, उसको हाथों से तोड़ रहा हूँ। उसकी जो नसें हैं, उसके अंदर जो रेशे आते हैं, उसको मैं निकाल रहा हूँ। उसको रेशे कर निकालने के बाद उसके टुकड़े कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं, और जो उसके अच्छे वाले बीज होते हैं उनको भी हम निकाल लेंगे। हम धीरे धीरे करके सभी वालोर पापड़ी को ऐसे छील देंगे। छीलने के बाद उसको ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं मेरे हाथों में ये वालोर की पापड़ी लेके धीरे धीरे करके उसके छिलके निकाल रहा हूँ। छिलके भी लेंगे और उसके जो अंदर से दाने निकलेंगे, उसके बीज निकलेंगे अच्छे वाले, उनको भी मैं यहाँ ले रहा हूँ। अब जैसे जैसे हमारी ये वालोर पापड़ी सब छीलती जाएंगी, उसे छीलने के बाद हमें उसको क्या करना है कि हम यहाँ बाहर धूप हो पर सीधी धूप में अगर सुखाएंगे तो उसका जो तत्व है वो आधे ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि जिसके तत्व है वो अच्छे वाले हमें मिल जाए। तो अब हमें इसे जहाँ धूप ना आती हो वैसी जगह पर, बालकनी या ऐसी जगह पर जाके सुखाना है। तो सुखाने के लिए एक चद्दर जैसा कपड़ा हो उसको नीचे ऐसे करके रख देंगे। उसके ऊपर हम धीरे से ये सब वालोर के टुकड़े डाल देंगे और उनको हाथों से इस तरह फैला देंगे। इसको फैला देने से क्या होगा कि इनको अच्छी तरह से सूखने का मौका मिलेगा। और यहाँ कॉटन की जो हमने चादर ली है, चादर कॉटन की लेने का एक ही वजह कि उसके अंदर थोड़ा बहुत जो ज़्यादातर पानी होता है वो निकल जाए। इसको हम 2 से 3 दिनों तक सुखाएंगे, जब तक कि हमारे बीज और हमारे इसके छिलके पूरी तरह सूख न जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने छिलके इस तरह सुखाने के बाद यहाँ रखे हुए हैं। अब जो हमने सूखी हुई जो फलियाँ ली थी उसकी वालोर की, उसके अंदर से हम हाथों से छील के ऐसे करके यहाँ दिखा रहा हूँ वैसे बीज निकालेंगे, और वह बीज हम नेक्स्ट सीजन में उसकी रुपाई करेंगे, उसको लगाएंगे अपने गार्डन में, अपने खेत में, और उसके अंदर से हमें नई बेल मिलेगी और अगले साल के लिए हमारे बीज का खर्चा भी बच जाएगा। अब दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि हमने इतनी मेहनत क्यों की, इतनी वालोर पापड़ी को तोड़ के हमने ऐसे तोड़ के उसको सुखाने की मेहनत क्यों की। तो मैं आपको बता दूँ, हमने ये मेहनत इसलिए की है कि हमें ऑर्गेनिक खाना मिलेगा, दूसरा कि इसके पोषक तत्व इसके अंदर बने रहेंगे। जब भी हमें वालोर पापड़ी खाने की इच्छा हुई, वो ऑफ सीज़न हो या सीज़न हो, हम इसको अपने घर के अंदर बॉईल करके इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। हमें टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं लगेगा और हमें खाने का भी मज़ा आएगा। और दूसरी बात कि ये हमारे घर के अंदर हमने उगाई है, हमारे खुद के बेल पे से तोड़ी हुई है, तो हमें ये फ्रेश और ताज़ी जैसे लगती है बेल पे से तोड़ी हुई तुरंत की, वैसा ही टेस्ट आएगा। इसका कोई अलग टेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए मैंने ये मेहनत करके आपको इसका वीडियो बना के दिखाया है। और दोस्तों, हमने जो सूखी हुई उसकी जो फलियां है उसके अंदर से ऐसे इस तरह से बीज निकाल सकते हैं। ये बीज हम नेक्स्ट सीजन में रुपाई के लिए, बुआई के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ वीडियो के अंदर, बस यही बीजों का हम उपयोग करेंगे तो हमारे बीजों का खर्चा भी नेक्स्ट सीज़न में बच जाएगा। तो हमें 2 फायदे हुए, एक फ्रेश खाना जब चाहिए सब्जी हम बना सकते हैं, और दूसरा नेक्स्ट सीज़न के लिए हमारे बीजों का भी खर्चा बच गया।
दोस्तों यहाँ हमारा वीडियो पूरा होता है, और आप अगर ऐसे ही नए हटके वीडियो पसंद करते हैं सब्जी उगाने के या फिर खेत में काम करने के, गार्डन में कुछ उगाने के, तो आप हमारा यह चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लें। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।